अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज जो है हम व्लॉगिंग जो करेंगे वो ये करेंगे कि आज हम आपको बताएंगे कि रैकी कैसे होती है, और रैकी पे जा रहे हैं हम लोग, और हमारे साथ एक खूबसूरत तरीन बेहतरीन बनाना चलो बना तो अब रैकी पे जाते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो पूरा इस्लामाबाद है अली स्ट्रीट। शानी मैंने 20 लाख रुपए की करोला बेची। सही 40 लाख की वेट्स 2018 की सोच। और एक बहुत दुख भरा नहीं सही किया बहुत जो यहां के रोड। तो अभी भाई अंदर चल के कुछ खाने का लेंगे पहले, और उसके बाद कहीं जाएंगे मंचिंग का कुछ ले लें, फिर चलते हैं। थोड़ा डाउट हो गया यार ये किधर लेके जा रहे हैं। Institute of Higher Education, very high education. सुबह ही सुबह का माहौल है भाई। जी तो हम आ गए हैं अपना लोकेशन देखने के लिए, और अब हम अंदर जाके आपको दिखाएंगे कि लोकेशन कैसी है। और हमें यहाँ पे बैंक शूट करना है, तो बैंक का माहौल देखते हैं कि बन सकता है नहीं बन सकता। और मज़ेदार सी जगह है, हवा बहुत अच्छी चल रही है, और ये जगह है आप देख सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है अंदर जाके। ये हमारे फारूक भाई हैं जिनको अभी आपको मैंने स्लो मोशन में दिखाया है। ये हमारे लाइन प्रोड्यूसर और इस फिल्म के बड़े ख़ास आदमी हैं, इनके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये अभी हमें लेके आए हैं इस लोकेशन पे जो अभी हम देखेंगे। फारूक भाई क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा है, अच्छा लगता है काम करने, बड़ा काम है। हाँ। मज़ा आ रहा है इस काम में। हाँ। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आगे भी इंशाल्लाह करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे होगा बैंक का सीन, पूरा सेट लगेगा बैंक का। ऐसे होती है रैकी, और कोई भी ड्रामा कोई भी फिल्म करने के लिए आपको लोकेशन देखनी होती है, और फिर आप वहाँ पे काम करते हैं, और पूरी टीम आपके साथ आई हुई होती है रैकी करने के लिए। अब हम छत देखने के लिए जा रहे हैं कि क्या होता है छत पे। साथ में हमारे साथ शानी भाई हैं, शानी भाई डी ओ पी हैं हमारे। जी ये छत आ गई है, ओहो छत तो चेक करें, ये छत पे भी शूट करना है हमें। वाओ यार तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं। सब व्लॉग बना रहे हैं भाई। हाँ रात का वक्त होगा तो फिर पता चलेगा। ये पीछे पहाड़ियाँ हैं भाई, और कमाल की जगह है यार, ये कब्रिस्तान है ये। ये वेट नहीं उठा सकता। फारूक सही बोल रहा हूँ मैं। डार्क कॉर्नर का जगह बड़ी प्यारी है यार। तो भाई मुझे लग रहा है कि लोकेशन मिल चुकी है अब, और यहीं पे हम बैंक भी करेंगे, यहीं पे हम छत भी करेंगे, और हम लोग बड़े सुकून में आ गए क्योंकि लोकेशन मिल गई। एक बड़ा काम है ये, फारूक ने ढूंढी है लोकेशन, और लगता है कि अब हम कर सकते हैं इस पर।
तो संडे को शूट करेंगे, आज जुम्मा है, अभी अपलोड करूँगा एडिट करके, आ जाइए आपके पास वीडियो देखिएगा, फिर आपसे बोल सकते हैं। फारूक कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। दो दो कैमरे आपके पास और आपकी बातों को सुना जा रहा है। विजडम ऑफ फारूक, यहाँ से काफी यादें जुड़ी हुई है। हाँ, यहाँ से कैसे यादें जुड़ी हुई है? अच्छा, बहुत बोतलें घूमी है। बोतलें नहीं घूमी, बहुत यादें जुड़ी हुई इस जगह से। अच्छा, दिल से बहुत सारी जगह है यादें जुड़ी। वाह वाह वाह, जब आता हूँ मैं फील आता है मुझे। अच्छा, दिल नहीं करता जाने को वहाँ से। बहुत खुश रहे यहाँ पर, बहुत अच्छा वक्त गुजरा। क्या बात है, इसी जगह पे फारूक? इसी जगह कहाँ कहाँ पर, किन किन कोनों में? ये अच्छा था, किन किन कोनों में। अच्छा, तो अब आप लोग बताएं कि हमने लोकेशन देख ली है, तो फिर अब क्या होगा बताएं। सुनिए मैम, डूड, आई थिंक दिस कैन बी वेरी परफेक्टली ट्रीटेड एज अ हॉल। यस, वी ट्राई टू वर्क इट। ऊपर से तो कुछ और था, इसका हम टॉप शॉट भी दे सकते हैं। हाँ। बट जो डायरेक्टर साहब को पसंद होगा, बिल्कुल, और बिल्कुल। जो हमारे डीपी साहब को पसंद होगा, yes. जो फारूक साहब को होगा, जो फारूक सर, जो फारूक तो आज किसी और ही फील्ड में चल रहे हैं और आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं काम वाले लड़के। काम वाले, हम तो छिछोर बन कर रहे हैं, हम काम करेंगे जिस दिन काम वाला दिन होगा। जी दोस्तों, तो लोकेशन मैंने देख ली है, आपने भी देख ली है, इस तरह से होती है रैकी और फिर उसके बाद होती है शूटिंग। अब कल आके इसको पूरा सेट वेट किया जाएगा, जो आर्ट डायरेक्टर हैं वो सारी चीज़ें सेट करेंगे इसकी, और उसके बाद फिर संडे वाले दिन आके हम लोग शूट करेंगे। तो पीछे पूरा क्रू है, आप ये देख सकते हैं। तो अब इस वीडियो को इख्तिताम करते हैं, क्योंकि इसके बाद हम जाएंगे और फिर अपना काम करेंगे दूसरा वाला। तो रैकी दिखानी थी आपको, कि किसी भी शूट के लिए पहले रैकी करनी पड़ती है किसी भी लोकेशन की, और उसके बाद फिर इसको सेट करना पड़ता है, उसके बाद फिर वहाँ पे शूट होती है। तो बड़ा लंबा प्रोसेस होता है ये पूरा। तो इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ मैं बनाता रहूँगा। अब मैंने सोचा कि एक बार दोबारा से व्लॉग शुरू किया जाए और काम किया जाए, और ज़रा देख लें, सब्सक्राइब लाइक जो भी होता है कर दें यार, प्लीज़। बाय।